आज का हमारा टॉपिक है स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्टैक? अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एटम्स कैन बी इंसर्टेड ओनली फ्रॉम वन एंड एंड गेट एटम्स बैक फ्रॉम द सेम एंड। यानी एक ही एंड से एटम्स को इंसर्ट करना और उसी एंड से एटम्स को डिलीट करना। द लास्ट एटम इंसर्टेड इन टू स्टैक इज द फर्स्ट एटम टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। फॉर एग्जाम्पल, ये राइट साइड में जो आपको फिगर दिख रही है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। अगर हम इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट ये जो रिंग का जो ये स्ट्रक्चर है, तो ब्लू रिंग जो इंसर्ट हुई है वो पहली रिंग थी, सेकेंड इंसर्ट हुई हुई ग्रीन कलर की रिंग थी, थर्ड वन इज़ द येलो एंड फोर्थ वन इज़ द रेड। अगर मुझे ब्लू रिंग को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस थ्री रिंग्स सबसे पहले निकालनी पड़ेंगी। मीन्स रेड रिंग टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक, देन सेकेंड वन येलो रिंग टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक, थर्ड टाइम ग्रीन रिंग टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक एंड फाइनली ब्लू रिंग टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। इसका मतलब ये है कि जो पहले इंसर्ट हुई है वो सबसे लास्ट में ही डिलीट होंगी, या जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है वो सबसे पहले डिलीट होंगी या निकाली जाएंगी। दैट्स व्हाई द स्टैक इज कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, लिफो और फीफो। इस तरीके से स्टैक को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होने वाला आइटम है वो सबसे पहले डिलीट होगा, या फिर जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टैक। सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टैक। पहला एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है बुक्स का, ठीक है। अ स्टैक ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर अगर आपने बुक्स का अरेंजमेंट किया है, बुक्स एक के ऊपर बुक्स अगर आपने रखे हैं, अगेन दिस इज कॉल्ड एज स्टैक। तो अगर मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे ब्लू कलर की बुक दिख रही है, ब्लू कलर की बुक मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग से लेके पूरे बुक्स हटाने पड़ेंगे तो ही ये ब्लू कलर की बुक्स मैं ले सकती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टोकन स्टैक इन द बैंक। बैंक के अंदर हम जाते हैं तो टोकन दिए जाते थे, तो वो टोकन भी सिक्वेंशियली दिए जाते हैं, जो पहले दिया जाएगा वो सबसे लास्ट में ही उसका नंबर लगता है, तो टोकन्स इन द बैंक। स्टैक ऑफ ट्रेस एंड द प्लेट्स, ये भी एक एग्जाम्पल है स्टैक का। अगर हम प्लेट्स अरेंज करते हैं इस तरीके से, तो जो सबसे लास्ट वाली प्लेट, सबसे पहले प्लेट रखी है वो तो स्टैक की सबसे लास्ट वाली प्लेट हो जाएंगी और वो सबसे लास्ट में ही निकलेंगी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। अब स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं? सो टॉप, पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल। सो टॉप, पुश एंड पॉप, दीज आर द ऑपरेशन। पुश एंड पॉप आर द ऑपरेशंस। टॉप क्या होता है कि ओपन एंड ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड टॉप। फ्रॉम दिस एंड आइटम कैन बी इंसर्टेड। तो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं इसका, नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। बट टॉप मीन्स द ओपन एंड ऑफ द स्टैक। स्टैक का जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा इट इज़ कॉल्ड एज टॉप। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा टॉप स्टैक के अंदर, इट इज़ कॉल्ड एज टॉप। देन पुश मीन्स टू इंसर्ट एन आइटम फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। सो पुश एंड पॉप आर द ऑपरेशंस। तो जो आइटम्स इंसर्ट होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक से ही इंसर्ट होंगे, सबसे लास्ट में ही आइटम इंसर्ट होता है। द पुश ऑपरेशन चेंजेस द पोजिशन ऑफ द टॉप इन द स्टैक। जैसे ही आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो टॉप की पोजिशन चेंज हो जाएगी। पॉप मीन्स टू पुट ऑफ, गेट और रिमूव सम आइटम फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। पॉप का मतलब है डिलीशन, पुश का मतलब है इंसर्शन। तो डिलीशन, पॉप मीन्स डिलीशन, मीन्स रिमूव करना, आइटम्स को रिमूव करना। फिर से हम आइटम्स कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप मतलब मीन्स
द लास्ट एलिमेंट और लास्ट पोजिशन पोजिशन ऑफ द स्टैक, स्टैक का जो लास्ट पोजिशन हम कहेंगे या लास्ट एलिमेंट कहेंगे उसे हम टॉप कह सकते हैं. वी कैन पॉप ओनली फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक. अब हमें इंसर्शन भी करना है तो टॉप ऑफ द स्टैक से ही करना है, डिलीशन भी होता है तो टॉप ऑफ द स्टैक से ही होता है. इज एम डी एंड इज फुल, दीज आर द कंडीशंस, ये दो कंडीशंस है. सो इज एम टी मीन्स स्टैक कंसिडर्ड एम टी व्हेन देर इज नो एटम इन द स्टैक. इज एम डी ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू व्हेन नो एटम इन द स्टैक एल्स फॉल्स. अगर इज एम टी जब रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू, इसका मतलब है कि आपका स्टैक एम टी है, और अगर आपके स्टैक में कुछ एलिमेंट्स इंसर्टेड है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. इफ फुल, ये भी एक कंडीशन है, स्टैक कंसिडर्ड फुल इफ नो अदर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ऑन टॉप ऑफ द स्टैक. दिस कंडीशन नॉर्मली ऑकर व्हेन द स्टैक इम्प्लीमेंट थ्रू द एरे. एरे रिप्रेजेंटेशन अगर आपके स्टैक का रहता है तो हमने पहले ही देखा था कि एरे रिप्रेजेंटेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर में, किसी भी टाइप के हम दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. सो एरे रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. एरे रिप्रेजेंटेशन ये फिक्स साइज रहता है. फिक्स साइज मीन्स पहले से ही आपको प्रीडिफाइंड साइज फिक्स करना पड़ता है कि इतने साइज का आपका एरे रहने वाला है या इतने साइज का आपका स्टैक रहने वाला है. तो उस केस में ये इज फुल कंडीशन ऑकर हो सकती है. वंस योर स्टैक इज फुल, तो इज फुल कंडीशन जो है वो ट्रू करके रिटर्न देंगी. मीन्स आपका स्टैक इज ऑलरेडी फुल है. इफ इट इज फुल देन इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल. तो एरे रिप्रेजेंटेशन में ये कंडीशन आ सकती है. सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन स्टैक. पुश एंड पॉप आर द ऑपरेशंस. टॉप इज द, टॉप मीन्स अ स्टैक, लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक मीन्स आप उसको टॉप कह सकते हो, लास्ट पोजिशन. इज एम टी एंड इज फुल आर द कंडीशंस. दीज आर दिस इज द एग्जाम्पल. डायग्रामेटिकली ये एग्जाम्पल मैंने बताया स्टैक का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टैक इज एम टी. पुश एट, पुश मीन्स इंसर्शन, पॉप मीन्स डिलीशन. पुश एट, एट वैल्यू हमने यहाँ पे पुश की मीन्स इंसर्ट की. पुश 14 मीन्स 8 के ऊपर फिर 14 वैल्यू इंसर्ट हुई. पुश 12 मीन्स 8, ऑलरेडी 8 और 14 है स्टैक में, अब 12 इंसर्ट हुआ. अब हम नीचे पॉप ऑपरेशन देखते हैं. सो पॉप करते वक्त यहाँ पे अभी ये जो तीन एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए हैं, तीन वैल्यूज इंसर्ट किए हैं, 8, 14 एंड 12. सो व्हाट इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक? 12 इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक. इसका टॉप क्या है? 12. तो पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशंस टॉप ऑफ द स्टैक से ही परफॉर्म होते हैं. तो टॉप ऑफ द स्टैक इज द 12, सो दैट पॉप 12 पॉप होगा. देन जैसे 12 पॉप हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ओनली टू एटम्स आर लेफ्ट. सो इन दैट केस 14 इज द टॉप ऑफ द स्टैक. सो विच एटम इज डिलीटेड? 14, पॉप 14. देन ओनली वन एटम इज लेफ्ट, 8. अब यहाँ पे ऑपरेशन चेंज हो रहा है. देन नेक्स्ट न्यू एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, 6 इज द न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ मैं. सो दैट पुश 6, फिर से पुश ऑपरेशन यानी इंसर्शन. इंसर्शन कहाँ से होता है? टॉप ऑफ द स्टैक. तो अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? 8. ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये टॉप ऑफ द स्टैक, यहाँ से ही पुश होगा. तो आपका जो टॉप है वो हर वक्त जैसे ही पुश हो जाता है, पुश या पॉप हो जाता है, टॉप की वैल्यू जो है, टॉप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगी. तो यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, ये 6 पे चला जाएगा. एंड देन लास्ट पॉप 6 एंड पॉप 8. सबसे पहले 6 पॉप होगा, देन आफ्टर 8 पॉप होगा. तो इस तरीके से सबसे लास्ट में आपका स्टैक हो रहा है एम्प्टी. तो इस सीक्वेंस में ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, पुश पॉप पुश पॉप. अगेन और एक एग्जांपल देके इसको बताया है. सपोज दैट दिस इज माय गिवन स्टैक, ये मेरा स्टैक है. ओके, इंसर्ट ए बी सी डी ई एफ, ये कैरेक्टर्स मुझे इंसर्ट करने हैं, ए बी सी डी ई एफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट टू राइट ही उसका इंसर्शन होगा. तो ए इज इंसर्टेड फर्स्टली, तो जैसे ही ए इंसर्ट हो गया वो चला गया बॉटम पे. ओके, देन बी सी डी ई एफ. अब यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या सेट होगा? टॉप ऑफ द स्टैक इज द एफ पोजिशन. देन डिलीट एफ ई डी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एफ ई डी
तो एफ जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो डिलीट हो गया, देन चेंज हो गया आपका टॉप ऑफ द स्टैक ई पे आ गया, देन ई टू बी डिलीटेड, देन डी टू बी डिलीटेड एंड टॉप ऑफ द स्टैक विल बी चेंज, वो क्या हो जाएगा सी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो, आफ्टर डिलीटिंग एफ ई डी आपका टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो चेंज हो गया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ए बी सी, ये तीन ही एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ये सी पोजिशन पे बता रहा है टॉप। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, स्टैक रिप्रेजेंटेशन होता है दो तरीके से, नंबर वन वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन, हम उसे एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक कह सकते हैं। सेकंड वन इज द सिंगल लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, उसे हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक कह सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस एक ही है कि एरे रिप्रेजेंटेशन का डिसएडवांटेज ये है कि ये फिक्स साइज एरे रहता है, आपको पहले ही फिक्स साइज एरे डिफाइन करना रहता है, और लिंक लिस्ट में जो है वो वेरिएबल साइज है, वो डायनामिकल रहता है, डायनामिकली आप एट रन टाइम उसे आप इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक क्या रहता है, सपोज दैट दिस इज द स्टैक एंड द गिवन स्टैक कंटेन फोर एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, चार एलिमेंट्स यहाँ पे है एंड द टॉप ऑफ द स्टैक इज दिस फोर्थ पोजिशन को वो बता रहा है स्टैक ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। अब इसे ही मैं अगर एरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो ये मेरा एरे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज द वन, सेकेंड वन इज टू, थर्ड वन इज थ्री एंड फोर्थ वन इज फोर, अगेन टॉप ऑफ द स्टैक इज फोर, फोर्थ पोजिशन पे वो टॉप ऑफ द स्टैक बताएगा। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, इट इज़ अप्लीकेबल ऑन फिक्स साइज ऑफ स्टैक, अगर आपका स्टैक फिक्स साइज का है तो उसके ऊपर ये अप्लीकेबल रह सकता है ये रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, अगेन वही एग्जाम्पल हम रिपीट करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को, ये हमारा गिवन स्टैक है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है फोर्थ पोजिशन को बता रहा है। अब इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है लिंक लिस्ट में, वी ऑलरेडी नो दैट लिंक लिस्ट कंटेन अ नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स रहते हैं एंड ईच नोड हैज़ टू पार्ट्स, इन्फो पार्ट एंड द लिंक पार्ट और नेक्स्ट पार्ट आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट पार्ट मीन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, या लिंक पार्ट मीन्स द लिंक मीन्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का एड्रेस बताता है वो। तो इस तरीके से नोड्स के फॉर्म में आपके एलिमेंट्स स्टोर रहते हैं। इन्फो पार्ट कंटेन एक्चुअल डेटा एलिमेंट, तो जैसे यहाँ पे अभी देर आर फोर एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे कितने नोड्स आएंगे, चार नोड्स, 1, 2, 3, 4, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, पहले नोड से, तो जिसकी डेटा कंटेंट वैल्यू क्या है 1, 1, और फिर इन नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, इन्फो पार्ट में इसमें क्या आएगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड की वैल्यू क्या है 2, उसके लिंक पार्ट में एड्रेस क्या आएगा थर्ड नोड का, थर्ड नोड की डेटा वैल्यू क्या है 3, उसके लिंक पार्ट में एड्रेस आएगा फोर्थ नोड का, फोर्थ नोड की डेटा वैल्यू क्या है 4, उसके लिंक पार्ट में एड्रेस क्या रहेगा, एड्रेस मीन्स यहाँ पे एट प्रेजेंट चार ही एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे फोर्थ नोड पे उसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू आएगी। सो द नल वैल्यू रिप्रेजेंट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ओके, तो यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। बट यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा आपका 1, नॉट 4, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक इज 1, बिकॉज टॉप ऑफ द स्टैक रिप्रेजेंट द फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जैसे फॉर इट इज जस्ट जस्ट लाइक एज टॉप ऑफ द स्टैक। देन ऑपरेशन ऑन स्टैक, स्टैक के ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, सो पहले ही मैंने बताया कि पुश एंड पॉप, द बेसिक ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट अ स्टैक आर पुश एंड पॉप। पुश मीन्स टू इंसर्ट एन आइटम इन टू अ स्टैक एंड पॉप मीन्स टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ स्टैक। अब दोनों रिप्रेजेंटेशन जो हमने देखने हैं वो है एरे रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों के अल्गोरिदम्स है, पुश और पॉप ऐसे दो ऑपरेशंस है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन में पुश एरे एंड पॉप एरे ये दो अल्गोरिदम्स देखने हैं, लिंक लिस्ट में भी सेम वे पुश लिंक लिस्ट एंड पॉप लिंक लिस्ट। तो हम ये वन बाय वन ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं।
अल्गोरिदम, अल्गोरिदम का नाम क्या रहेगा, पुश अंडरस्कोर एरे। एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का है, एरे का, यानी फिक्स साइज ऑफ एरे का है। तो यहाँ पे इस एल्गोरिदम में इनपुट क्या है, तो न्यू आइटम टू बी पुश्ड ऑन टू दी स्टैक, स्टैक में जो नया आइटम मुझे इनपुट करना है वो मेरा है इनपुट। आउटपुट क्या रहेगा, अ स्टैक विथ न्यूली पुश्ड आइटम एट द टॉप पोजिशन ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप पोजिशन पे वो आइटम इंसर्ट हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, साइज, बिकॉज हम देख रहे हैं एरे रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन में हमने पहले से हमें पता है कि अगर फिक्स साइज ऑफ एरे है और उसका साइज फिक्स है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूरे इंसर्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपका एरे आपको क्या रिटर्न करेगा, इज फुल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इज फुल वैल्यू वो ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब ऑलरेडी आपके एरे में एलिमेंट्स इंसर्टेड है जितना उसका साइज है, तो न्यू आइटम इंसर्ट करने के लिए एरे में जगह नहीं है, तो स्टैक इज ऑलरेडी फुल, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल, ये मैसेज हमें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले तो हम साइज चेक करेंगे, इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, साइज कितना है एरे का और आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या बताता है, टॉप ऑफ द स्टैक भी साइज बताता है, लास्ट एलिमेंट का पोजिशन बताता है, और साइज का मतलब भी पोजिशन ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट साइज। इफ इट इज इक्वल टू देन प्रिंट स्टैक इज ऑलरेडी फुल, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। इफ इट इज नॉट देन हम यहाँ पे टॉप की पोजिशन चेंज करेंगे, और जैसे वो पोजिशन एक से चेंज हो जाती है तो वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट आइटम के लिए, नेक्स्ट पोजिशन के लिए, और वो नेक्स्ट पोजिशन जो हमें मिलेगी वहाँ पे हम न्यू आइटम इंसर्ट कर देंगे। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जो हमारा एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बताया था ये, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा एरे रिप्रेजेंटेशन है मेरे एग्जांपल का, ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, फोर्थ पोजीशन, क्योंकि अगर हम एरे रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें इसके इंडेक्सेस वैल्यूज पता है, इंडेक्सेस वैल्यूज क्या रहेंगी इसकी, 0 1 2 3 4, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपका, जिसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 either 1 or 0, 0 ले लेते हैं। जीरो कंफ्यूज हो जाओगे तो 1 ले लेते हैं। दीज आर दी इंडेक्स वैल्यू, 2 3 and 4, ओके, सो दीज आर दी इंडेक्स वैल्यू एंड दीज आर दी कंटेंट्स, ये कंटेंट्स है आपके एरे के। टॉप ऑफ द एरे हमें बता रहा है फोर्थ पोजिशन पे फोर्थ एलिमेंट है। सो अगर हमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है इफ कंडीशन की, तो यहाँ पे देखो टॉप ऑफ द स्टैक व्हाट इज, क्या बता रहा है वो, 4, पोजीशन क्या बता रहा है, 4, एंड द साइज ऑफ द एरे इज अगेन 4, सो द 4 इज इक्वल टू 4, सो कंडीशन इज ट्रू एंड वो प्रिंट करेगा स्टैक इज ऑलरेडी फुल, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर सपोज दैट यहाँ पे एक एलिमेंट में
डिलीट कर देती हूँ। अब ये टॉप की पोजीशन भी चेंज हो जाएंगी आपकी, ये पोजीशन आ जाएंगी यहाँ पे। अगेन कंडीशन, इफ फर्स्ट कंडीशन से चलते हैं हम। इफ टॉप, टॉप क्या रेफर कर रहा है, द टॉप एलिमेंट इनटू द स्टैक, स्टैक का टॉप एलिमेंट। अब यहाँ पे स्टैक के अंदर 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट है, तो तीन यानी ये थर्ड पोजीशन को वो रेफर कर रहा है, ये थर्ड पोजीशन। ओके, थ्री इज नॉट ग्रेटर देन एंड इट इज नॉट इक्वल टू साइज, साइज क्या है 4। कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई एल्स पार्ट में आ गया। एल्स पार्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जो मेरा गिवन टॉप है वो एक से हम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही मैंने टॉप की पोजीशन एक से बढ़ाई, कितनी थी 3, 3+1 4th, ये 4th पोजीशन पे आ गया टॉप। एंड देन ए ऑफ टॉप मीन्स ये हम इस तरीके से एरे में इंसर्ट करते हैं आइटम्स। एटम्स मीन्स न्यू आइटम, सपोज दैट द आइटम इज 4 थी ये वैल्यू, तो मेरे आइटम की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो 4 टू बी इंसर्टेड इनटू ए ऑफ टॉप, यहाँ पे आइटम इंसर्ट हो जाएगा, एंड इफ एंड स्टॉप। तो इस तरीके से ये पुश एरे आपका जो है वो फिक्स साइज ऑफ एरे के लिए वर्क करता है। ओके, सेम थिंग डिलीशन। डिलीशन मीन्स पॉप ऑपरेशन। अब अगर हमें पॉप ऑपरेशन देखना है तो हम फिर से इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। ये जो हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे भी पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। एरे फिक्स साइज ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन है हमारे स्टैक का, जिसमें हमें डिलीट करना है। द फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, इनपुट। इनपुट क्या है, द स्टैक विद द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में स्टैक होने चाहिए। ऑलरेडी इन इन आवर एग्जांपल द फोर एलिमेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय स्टैक। ठीक है, आउटपुट में रिमूव एन आइटम फ्रॉम स्टैक of the remove an atom from the top of the stack if it is not empty। अब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, स्टैक में इंसर्शन एंड डिलीशन सिर्फ टॉप से ही होता है, सिर्फ मिडल ऑफ द मिडल एलिमेंट डिलीट नहीं होगा या मिडल किसी पोजिशन पे एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक से ही डिलीशन होता है, तो यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक क्या बता रहा है, 4th पोजिशन। ओके, तो इफ टॉप इज लेस देन 1। अब यहाँ पे हम देख रहे कि if your stack is already empty then deletion is not possible, तो हमें वहाँ पे मैसेज देना है कि stack is empty। तो वो किस कंडीशन में देखेंगे, if the top is less than 1, पोजिशन जो है टॉप की वो 1 से स्टार्ट होती है। अगर यहाँ पे टॉप पोजिशन एक भी एलिमेंट नहीं है तो टॉप की वैल्यू क्या रहेंगी, 0। तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, if 0 is less than 1 कंडीशन इज ट्रू एंड प्रिंट द मैसेज स्टैक इज एम्प्टी। बट इन आवर एग्जाम्पल देर आर 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैक एंड द पोजिशन ऑफ टॉप इज 4th, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड नहीं होगी, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में यहाँ इंसर्ट करना है हमें, सॉरी डिलीट करना है हमें आइटम, और वो भी टॉप ऑफ द स्टैक का। तो हमें अगर ये आइटम मुझे एक्सेस करना है एरे का, तो कैसे एक्सेस करूँगी मैं, ए ऑफ टॉप। ठीक है, ए ऑफ टॉप इक्वल टू आइटम इक्वल टू ए ऑफ टॉप, तो आइटम में वैल्यू चली जाएंगी 4। यहाँ पे आइटम में वैल्यू चली जाएंगी 4। एंड देन स्टैक पोजीशन हमें चेंज करनी है। अब स्टैक पोजीशन आपकी बता रही थी 4th प्लेस पे, जैसे ही ये एलिमेंट आइटम में चला जाता है या डिलीट हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आइटम इक्वल टू ए ऑफ टॉप किया, तो ये 4th एलिमेंट मेरा जो है रिमूव हो गया, तो मुझे ये टॉप की पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, फिर से चेंज, तो टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। तो यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है, अब पोजीशन जो है नेक्स्ट जो उसके सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बच जाएगा टॉप एलिमेंट, तो टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1, एंड इफ एंड देन स्टॉप। सो दीज आर द टू एलिमेंट्स, टू अल्गोरिदम्स हाउ टू इंसर्ट द न्यू आइटम इनटू द एरे स्टैक
एंड हाउ टू डिलीट एग्जिस्टिंग एटम फ्रॉम दी एरे स्टैक। तो एरे रिप्रेजेंटेशन के ये अल्गोरिदम्स है दोनों, पुश एरे एंड पॉप एरे। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लिंक लिस्ट के दो अल्गोरिदम्स देखेंगे, अगेन सेम थिंग, पुश लिंक लिस्ट एंड पॉप लिंक लिस्ट। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा है कि व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है, स्टैक का रिप्रेजेंटेशन क्या, किस तरीके से होता है इन एरे एंड इन लिंक लिस्ट। तो उसके बाद हमने ऑपरेशंस में हमने देखा है कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं स्टैक में, स्टैक के ऊपर, पुश एंड पॉप। पुश मीन्स इंसर्ट एंड पॉप मीन्स डिलीशन।